सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की मुखालिफत की तो तालिबा को कन्वेक्शन में जाने से रोका गया, गोल्ड मेडल लेने से किया इनकार। आइए देखते हैं एच न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट। पांडुचेरी यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन की गोल्ड मेडलिस्ट मुस्लिम तालिबा को जल से तकसीम इनसाद में जाने की इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद इन्होंने मेडल लेने से ही इनकार कर दिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद थे। तालिबा राबिया अब्दुल रहीम का इल्ज़ाम है कि सदर जमहूरिया की मौजूदगी तक पुलिस ने इन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तालिबा का ये भी कहना है कि इन्होंने हाल ही में शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ एहतजाज में हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से इनके साथ ऐसा सलूक किया गया। राबिया अब्दुल रहीम का इल्ज़ाम है कि कन्वेक्शन शुरू होने से पहले एक सीनियर पुलिस अफसर ने इन्हें ऑडिटोरियम में जाने से रोक दिया। तकरीब से सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के जाने के बाद ही अंदर जाने की इजाज़त दी गई। इनके मुताबिक, मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्यों बाहर कर दिया गया, लेकिन ये मालूम हुआ है कि तुलबा ने जब पुलिस से पूछा तो इन्होंने बताया कि शायद वो अलग तरह का स्कार्फ पहनी हुई थी, इसलिए इसको बाहर कर दिया गया। हालांकि किसी ने भी मेरे मुंह पर तो कुछ नहीं कहा। राबिया ने मजीद कहा कि मैंने ऑडिटोरियम के बाहर से सदर जमहूरिया की तकरीर सुनी, मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, शायद शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ एहतजाज में शिरकत करने की वजह से मेरे साथ ऐसा सलूक किया गया। राबिया ने कहा कि जब मैंने पुलिस वालों से पूछा कि मुझे प्रोग्राम में जाने से क्यों रोका जा रहा है, तो पुलिस वालों ने बताया कि शायद SSP ऐसा चाहते हैं। वहीं मैंने पास खड़े पुलिस वालों को ये कहते हुए सुना कि मैं मुश्तबा हूँ। खबर के मुताबिक, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के प्रोग्राम से जाने के बाद ही राबिया को अंदर जाने की इजाज़त मिली। वहां उन्होंने सर्टिफिकेट्स तो कबूल कर लिया, लेकिन एहतजाज के तौर पर गोल्ड मेडल लेने से इनकार कर दिया। राबिया का कहना है कि इनके साथ जो कुछ हुआ, इसको वो अपनी कम्युनिटी के तहत बेइज्जती महसूस करती हैं। राबिया ने उम्मीद जाहिर की कि मेडल लेने से इनकार करने पर लोगों के दरमियान एक मजबूत पैगाम जाएगा। राबिया बताती हैं कि शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान तुलबा के साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी यही हुआ, इसलिए मैंने मेडल लेने से इनकार कर दिया। ये एहतजाज करने का मेरा तरीका है। CAA और NRC के खिलाफ जो भी एहतजाज कर रहे हैं, ख्वाह वो लड़के लड़कियां हों, मुस्लिम या फिर हिंदू, सब के साथ ऐसा किया जा रहा है। हालांकि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने इस पूरे मामले से अपना पल झाड़ लिया है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का कहना है कि इन्होंने मामले को तुलबा को कन्वेक्शन में आने से किसी ने रोका और किस वजह से रोका, साथ ही तुलबा ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगा रही हैं, इसकी भी इन्हें जानकारी नहीं है। I'm an ex-student of Pondicherry University. Today is my convocation. I'm the rank holder and gold medalist of Mass Communication Department. And today, after everything, they received me. I sat here. And when the President of India came, they asked me to come outside. And I was only allowed inside only after the President had left. And in protest of that, as an insult. And because I know exactly why they asked me to get out. And in solidarity and as a protest against CA, NRC and solidarity with all the students who are protesting across India, I have rejected my gold medal, the university top gold medal that I have received. I have rejected it. I do not want it. And this, I hope, is a strong message for everyone out there who are fighting in the streets, who are facing police brutality and who are fighting for peace, justice and for a better India. So I hope this is a good message out there. सबसे पहले न्यूज़ देखने के लिए हमारे HN न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे।